हे गाइस, तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जॉन सीना ने कंफर्म कर दिया उनका रिटर्न नेटफ्लिक्स पे। एंड गाइस, हमारे मंडे नाइट रॉ ने नेटफ्लिक्स के दो न्यू पोस्टर लॉन्च किए हैं। बैड ब्लड में हो सकता है जेकब फाटू का मैच अगेंस्ट रोमन रेंज के रूमर्स आ रहे हैं। और गाइस, हमारी स्मैकडाउन में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं और मंडे नाइट रॉ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमें नेटफ्लिक्स के फर्स्ट शो पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, हमारी फर्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है हमारे नेटफ्लिक्स शो से। तो रोमर रेंज, आपको पता है सभी नेटफ्लिक्स शो पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नेटफ्लिक्स एंड डब्ल्यूई ने आज एक मंडे नाइट रॉ पे एंड दोनों ने एक शो अनाउंस किया था जिसमें रेय मिस्टीरियो एंड सारी देखने को मेरे लेजेंड मैंने लास्ट वीडियो में कर दिया है मतलब कवर। तो गाइस, ये शो इसलिए किया गया ताकि आपको पता है नेटफ्लिक्स एंड डब्ल्यूई रॉ की डील हो चुकी है यूएसए में एंड यूएसए में फर्स्ट शो मैसे वो बैंकर होने वाला है। उसके लिए डब्ल्यूई बहुत बड़े लेवल तक जाने वाली है। इवन गाइस, बड़े बड़े जो मतलब लेजेंड्स हैं वो भी आने वाले हैं एंड मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार भी मौजूद होंगे। तो गाइस, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि डब्ल्यूई इस लेवल पर लेके जाने वाली शो को, क्योंकि डब्ल्यूई उस लेवल पर लेके जाना चाहती है शो को। एंड गाइस, मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पर जाने वाली, तो ऑब्वियसली यार बेस्ट शो बनाएगी डब्ल्यूई और बेस्ट शो लेके जाने के लिए डब्ल्यूई कुछ भी कर। तो राइट नाउ डब्ल्यूई ने दो पोस्टर लॉन्च किए हैं जिसमें नेटफ्लिक्स पर आपको जेकब फाटू ब्लड लाइन पूरी दिख रही है एंड गाइस स्मैकडाउन के सुपरस्टार रोमन रेंज भी दिख रहे हैं। से ये पता चला कि रोमन रेंज, रॉ और स्मैकडाउन दोनों के स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन गाइस, आपको पता है एनएक्सटी में रैंडी ऑर्टन एंड सीएम पंक देखने को मिलेंगे आपको, तो उसी तरह नेटफ्लिक्स पे आपको सारे सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। ये बैंकर एंड मैसिव शो होने वाला है, डब्ल्यू से बिग वे से बुक करने वाली है। और देखो यार, अब नेटफ्लिक्स पे तो मंडे नाइट रॉ जाने वाली है और डब्ल्यू इस शो को एक बेस्ट वे से बुक करना चाहती है। जैसे स्मैकडाउन फॉक्स पे गई थी तो रॉक आए थे, वैसे ही अब ये शो एक नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। तो आई थिंक यार बड़े बड़े मैचेस होंगे, बुक कर सकती है डब्ल्यू। और देखो क्या चीज़ करती है अनोखी डब्ल्यू इसमें, जो बेस्ट वे से निकल के आए। तो गाइस, दो पोस्टर्स हैं, पहले तो ये आप देख सकते हो। एंड उसके बाद गाइस, हमारे जॉन सीना ने कंफर्म कर दिया कि वो आने वाले हैं एंड उन्होंने ये कहा कि उनकी दोनों कंपनियों के साथ बहुत ज़्यादा जमती है। बिकॉज ऑफ रीजन, नेटफ्लिक्स इज प्रमोट अ मूवीज एंड वेब सीरीज एंड डब्ल्यूई इज राइट नाउ एंटरटेनमेंट कंपनी और डब्ल्यूई एक रेसलिंग कंपनी है जो वर्ल्ड रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है। एंड इसी के रिलेटेड जॉन सीना भी आपको कन्फर्म देखने को मिलेंगे नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ पे। तो देखो गाइज, ये जब शो होगा तो किस लेवल तक मैसेज आता है ये देख के पता चल रहा है, क्योंकि गाइज रॉक भी यहाँ पर आने वाले हैं। एंड गाइज, हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है AEW के वर्ल्ड एंड हमारे डब्ल्यू ने एक ऑरलैंडो में लाइव शो इवेंट कर दिया ऑर्गेनाइज। सेम डे पे दोनों शो होंगे। एंड गाइज, अब डब्ल्यू के फैंस अगर वो देखने जाएंगे तो वो कौन देखने जाएगा? और सेम कंट्री में, सेम सिटी में होने वाले दोनों शो, वर्ल्ड एंड हमारे लाइव इवेंट ऑरलैंडो। लाइव इवेंट तो ऐसे मतलब लाइव शो है, लेकिन डब्ल्यू के लाइव शो उस भी बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा क्राउड जनरेट होती है। बिकॉज द रीज़न, डब्ल्यू शो को मैसिव बनाने के लिए कुछ भी करती है। एंड गाइज, लाइव शो करवाने वाली डब्ल्यू वर्ल्ड्स एंड के ही आसपास। एंड गाइज, मैं नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है जेकब फाटू का मैच हो सकता है रोमन रेंज के साथ बैड ब्लड में। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रोमन रेंज को जानबूझ के मतलब ऐसे दिखाया गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा पीटा गया, क्योंकि गाइज डब्ल्यू उन्हें थोड़ा सा टाइम ऑफ देने वाली है। एंड गाइज, वो नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेंगे एंड नेटफ्लिक्स पे देखने को बाद बैड ब्लड है और बैड ब्लड में आपको रोमन रेंज देखने को मिलेंगे जेकब फाटू के साथ। आ सकते हैं जेकब फाटू एंड जेकब फाटू के साथ वो फाइट कर सकते हैं, फ्यूड दे सकते हैं। बिकॉज रीजन, डब्ल्यू चाहती है कि जेकब फाटू को एक नेक्स्ट लेवल बिल्ड दिया जाए। एंड अगर ये डब्ल्यू चाहती है, डब्ल्यू को रोमन रेंज के सामने जेकब फाटू को डालना पड़ेगा। जेकब फाटू वर्सेज रोमन रेंज एक बिग मनी मैच हो सकता है, बैंगर मैच हो सकता है। एंड डब्ल्यू इस चीज़ को कर सकती है। एंड डब्ल्यू को इस चीज़ को करने के लिए यार बेस्ट मूवमेंट चाहिए, क्योंकि जेकब फाटू की जो यार एबिलिटी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। एंड गाइस, राइट नाउ डब्ल्यू यही चीज़ करने वाली है बैड ब्लड में। और बैड ब्लड आपको पता है एक बड़ा पेपर व्यू, मैसिव पेपर व्यू हो सकता है। तो पॉल एमर का यही कहना है कि रोमन एज को बैकअप की नीड है। बिकॉज ऑफ रीजन, जिस हिसाब से जेकब फाटू ने रोमन एज को तोड़ा है ना, उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि रोमन एज को बैकअप की नीड है। और गाइस, उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से डेब्यू होने वाले हैं, बहुत से रिटर्न होने वाले हैं ब्लड लाइन में, बहुत से ब्लड लाइन मेम्बर्स जुड़ने वाले हैं। और ये चीज़ पॉल हेमन ने खुद कंफर्म की है। एंड राइट नाउ जो पॉल हेमन कह रहे हैं गाइस, अगर उसके अकॉर्डिंग चले जाए तो जिला फाटू और भी कई मेंबर आपको ब्लड लाइन को ज्वाइन करते हुए दिखेंगे और जीकल भी ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। और गाइस, ब्लड लाइन और ज़्यादा मैसिव होने वाली है। एंड आपको पता है बैड ब्लड में ब्लड लाइन का मैच कंफर्म माना जाए। एंड गाइस, हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है सीएम पंक से। सीएम पंक स्टोन कोल्ड एंड रॉक दोनों को चैलेंज करना चाहते हैं, दोनों से फाइट करना चाहते हैं रसलमेनिया 41 में। उन्होंने कहा कि अगर स्टोन कोल्ड को GST खाना है तो मेरे साथ आ जाए। एंड उन्होंने ये भी कहा कि रॉक को चाहिए मेरे साथ मैं तो वो कर ले। बिकॉज ऑफ रीजन, सीएम पंक को आज तक मेन इवेंट मिला नहीं है और आपको पता है
लास्ट रसलमेनिया में वो इंजर्ड हो गए थे जिसके कारण वो कर ही नहीं पाए थे परफॉर्म। एंड राइट नाउ रसलमेनिया 41 इज अ प्लेस टू परफॉर्म अ सीएम पंक, एंड सीएम पंक उस प्लेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड क्या पता ऑस्टिन स्टीव ऑस्टिन को उन्होंने कह दिया, इवन उन्होंने रॉक को भी कहा कि अगर तुम दोनों को जीएसटी खाने का शौक है तो नाइट वन नाइट टू पे मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। तो ये सीएम पंक ने वार्निंग दी है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी गाइस वो जुड़ी है हमारे जे ऊसो से। जे ऊसो ब्लू उला फाला माला पहन के आए थे, उन्होंने ब्लू कलर की उला फाला माला पहनी हुई थी एंड वो पहन के आए थे वो। एंड गाइस राइट नाउ को पता है जे जिमी एंड ओजी ब्लड लाइन फिर से रिबिल्ड होगी एंड फिर से इकट्ठे आएंगे ये सब। एंड गाइस ये माना जा रहा है कि ये चीज़ होगी बहुत जल्दी। एंड जो पॉल हेमन ने कहा अगर उसके अकॉर्डिंग सोचा जाए तो गाइस बहुत से आपको डेब्यूज देखने को मिलने वाले हैं। एंड गाइस रॉक भी आपको देखने को मिलेंगे नेटफ्लिक्स वाले एरा में। तो गाइस ये अपडेट थे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।